हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी अरबी के पत्तों की इतनी बढ़िया सी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। एक्चुअली मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने ले ली है बहुत सारी दालें, उनको रात भर सोक किया था, उसके बाद सुबह मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद इसका टेक्स्चर कुछ ऐसा है, थोड़ा सा दुरदुरा ही रखना है आपको। उसके बाद में फिर हम लोग इसमें डालेंगे सॉल्ट, जो कि आप जिस तरह का भी खाते हो, हल्का या तेज़। फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी, और उसके बाद धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, हम थोड़ा कम ही खाते हैं गरम मसाला, खटाई, आमचूर पाउडर, कुछ भी आप डाल सकते हो उसमें, और फिर हींग। अभी इन सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हल्दी के लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लेना कि कच्ची यूज़ नहीं की जाती, ये भाप में अच्छे से पक जाएगी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, कुछ भी कच्चापन नहीं रहेगा। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री होके इसमें सभी मसाले डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। और अगर आप लोग चाहो तो इसमें पिसे जैसे प्याज, लहसुन, टमाटर, ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये भी डाल सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आप लोगों ने यहाँ पर स्टीमर अपना सेट कर देना है और ले लेने हैं एक ट्रे, जो स्टीमर के साथ ट्रे आती है, उसको आप अच्छे से ग्रीस कर लोगे। और ग्रीस करने के बाद में इसको कर दोगे साइड, क्योंकि हम लोग जो भी रोल बनाएंगे वो इसी पत्तों पे रखेंगे। हैं ये हमारे पास यहाँ पे खूब सारे पत्ते। आपको अगर ये पत्तों की फुल रेसिपी देखनी है कि ये पकौड़ियाँ कैसे बनती हैं, तो मैं आपको इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में और या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, उसमें जो ये गांठें होती हैं, इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आपके या तो गले में खुजली होने लगेगी या छरछराने सा लगेगा गले में। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इनको ज़रूर हटा लो। और जितनी ये नसें दिखती हैं ना, इन सबको हटाना होता है अच्छे से। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग काम है, मगर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे और मेरी फैमिली को, मतलब माइके साइड की फैमिली को, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ तो मेरे यहाँ ससुराल में बस मम्मी खा लेती हैं, मेरे साथ और कोई नहीं खाता ज़्यादा। तो बहुत कम होता है कि बना पाओ, क्योंकि चीज़ें तभी बनाने में अच्छी लगती है ना जब सब लोग खा रहे हों। तो ये सारे पत्ते मैंने इनकी जड़ साफ़ कर ली है। उसके बाद इनकी नसों को हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये, मतलब आप इन्हें बेलन से अच्छे से रोटी की तरह अच्छे से आप बेल लोगे ना, तो ये सब अच्छे से मैश हो जाएंगी। और उसके बाद आप एक बार ही चाहना तो इन्हें वॉश कर देना, अगर वॉश नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी काम चल जाएगा। तो खूब सारे पत्ते थे, मैंने एक एक करके सारे पत्तों को यहाँ पे ऐसे ही रोल कर दूँगी। यहाँ पत्ते रोल हो रहा है, तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे अलग अलग थीम्स के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपको कोलैबोरेशन से के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, या मेकअप से रिलेटेड, या व्लॉगिंग, या कुकिंग, हर टाइप के मैं वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज ला रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर एंड मिसेस पाल 974, ये आप नोट कर लीजिए। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालती हूँ और मैं 24 घंटे इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हूँ। तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, और कैसी भी बात हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे DM कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनके रोल्स बनाना। तो जो सबसे बड़ा पत्ता होगा ना, जब भी आप ये चीज़ बनाओ, तो जो आपका सबसे बड़ा पत्ता होगा उसको आपको लेना है, और पीछे की साइड जो ड्राई साइड होती है वहाँ पर आपको ये दाल वाला पेस्ट को लगा देना है। और देखो, आपको दिख रहा होगा मुझे लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब ये अच्छे से लग नहीं रहा है। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपके पत्तों के साथ भी सेम चीज़ हो, आप लगाने से पहले ना थोड़ा सा ऑयल पत्तों पे लगा लेना, तो वो फैलते बहुत अच्छे से। अब इसके ऊपर मैं लेयरिंग कर रही हूँ पत्तों की, उसके बाद फिर से मैं दाल लगाऊंगी। तो ये चीज़ ये होती है कि आपको कितना मोटा रोल चाहिए। अगर आपको पतले पतले खाना पसंद है तो आप कम रोल बनाओ, अगर आपको थोड़ा सा हैवी खाना पसंद है, रोल थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप उस हिसाब से करो। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रोल अच्छा लगता है, क्योंकि पतले रोल्स की खुलने की थोड़ी सी वो दिक्कत आती है इस वजह से। तो मैंने यहाँ पर 4 पत्तों का रोल बनाया है, लेयर से बनाया है, छोटे से बड़ा। अभी ये सारे पत्तों को मैं साथ में इस तरह से रोल कर दूंगी दाल लगाते लगाते, और उसके बाद मेरे जितने पत्ते थे ना, उससे मेरे 3 रोल तैयार हुए हैं, जिसमें मैं आधों की मैंने सब्ज़ी बना ली थी और आधे हम लोगों ने फिर शाम को नाश्ते में खा लिए थे। तो इस तरह का कुछ हैवी सा रोल ये तैयार होता है।
एकदम सिंपल, इजी एंड परफेक्ट मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, जिसे आप कभी भी ट्राई कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट। आपकी सब्ज़ी या पकौड़ियाँ एकदम वैसी ही बनेंगी जैसी मेरी बनी है। तो यहाँ मेरा स्टीमर अच्छे से स्टीम हो चुका है, उबल रहा है पानी। अब इसमें हम लोग इस ट्रे को डाल देंगे और अपनी बाकी तैयारी कर लेंगे जितनी देर में आपका ये स्टीम हो रहा है। किचन में ना मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ का वेट करने में आप टाइम गंवा दें। तो साथ ही साथ हम लोग इसकी प्यूरी भी तैयार कर लेंगे जो ग्रेवी होगी। ग्रेवी के लिए भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने ही मिनिमम यूज़ किए हैं ताकि जिसकी भी किचन हो, पेंट्री हो, उनको वो सब चीज़ें मिल जाएं। तो मैंने लिया है यहाँ पे प्याज, टमाटर और लहसुन और अदरक। अभी गर्मियों में हमारे पास है नहीं, अगर आप चाहो तो गर्म मसाले की जगह उसे भी डाल सकते हो, बट मैंने गर्म मसाला डाला है तो ऐसी कोई नीड नहीं है। आप चाहो तो इन्हें चॉप भी कर सकते हो, मगर मेरा जो पेस्ट है वो भी दुरदुरा है और फिर मसाले भी दुरदुरे रहेंगे तो फिर वो बात नहीं आएगी, पूरा पल्पी सा लगेगा हमारी ये सब्ज़ी। इस वजह से मैं सारी चीज़ें ग्राइंड कर रही हूँ और सारी टमाटर को, प्याज को और लहसुन को, सभी को हम लोगों को एक ही साथ में पीस लेना है, ये टाइम भी बचाएगा। कभी कभी मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, टमाटर अलग, प्याज अलग, लहसुन अदरक अलग करते हैं, मगर ये सारी चीज़ें हम साथ में भी पेस्ट बना के फ्राई कर सकते हैं। बस आपकी जो फ्राई करने की टेक्निक है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको फ्राई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए आप इसके पेस्ट को अच्छे से फ्राई कीजिए और उसके बाद में कोई जो चीज़ डाल रहे हैं ना उसमें वो डालिए। देखिएगा आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत कम से कम समय लगेगा आपकी सब्ज़ी को रेडी होने में। तो मैंने यहाँ पे अपने मिक्सी में सारी चीज़ों को डाल दिया है, प्याज डाला है, टमाटर डाला है, लहसुन डाली है खूब सारी कलियाँ और दो हरी मिर्ची डाल रही हूँ। रेड चिली मैं नहीं डालूँगी और मेरे यहाँ चिली ज़्यादा खाई भी नहीं जाती है, बहुत कम खाई जाती है इस वजह से। तो मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है, तो कुछ ऐसा सा पेस्ट बना है और इस पेस्ट को अभी हम लोग कर देंगे साइड में और अब रेडी करेंगे अपनी पकौड़ियाँ। तो ये देखिए, ये स्टीम होके आ गई हैं और इनका कलर भी पत्तों का चेंज हो गया है। अब मैं फोक डाल के या कुछ भी नाइफ़ डाल के मैं इसमें चेक करूँगी कि कुछ भी लग तो नहीं रहा। अगर आपकी स्पून ऐसे, मतलब नाइफ़ अगर इतना क्लीन निकलता है तो इसका मतलब है कि आपने जो भी बनाया है वो अच्छे से पक चुका है। स्टीमर में चेक करने का यही सबसे परफेक्ट तरीका होता है। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर दूसरी प्लेट और मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि कैसा बंद के गांठ जैसा ये तैयार हो गया है। अभी हम लोग इसको निकाल के कर लेंगे ठंडा, शायद मैं ठंडा कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तभी मैं इतने आराम से इसे उठा पा रही हूँ। और इसको करेंगे कट और कट करने के बाद भी थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि सारा इसका मॉइस्चर सूख जाए और जब हम लोग इसे फ्राई करेंगे, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे, तब ये कढ़ाई में ज़्यादा चिपके ना, क्योंकि अगर ये चिपकेगा तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। और सारी जो लेयर है इसकी, अभी मैं आपको लेयर दिखाऊँगी कितनी अच्छी सी लेयर इसमें आई है। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर इसमें आई है। इसी तरह की लेयरिंग आनी चाहिए, मतलब ना बहुत ज़्यादा पत्ते का फ्लेवर और ना ही बहुत ज़्यादा दाल का फ्लेवर, दोनों चीज़ें एकदम बराबर होनी चाहिए। तो देखिए मैं जब इसे काट रही हूँ तो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, मतलब अभी ये फ्राई करने की पोजिशन पर नहीं है। तो मैं जल्दी से जितने भी मेरे रोल्स बने हैं, तीन रोल्स बने और काफ़ी इसमें बन जाएगा सबको, अगर खाने के साथ साथ दो दो या तीन तीन पकौड़ियाँ मिल जाती हैं ना तो बहुत इनफ है इतना, क्योंकि ग्रेवी भी इसकी थोड़ी गाढ़ी बनती है, उसके बाद ये पकौड़ियाँ भी आपस में घुल के काफ़ी हैवी कर देती हैं हमारी सब्ज़ी को। तो मैं इसको भी यहाँ पे प्लेट में लगा लूँगी और जितनी देर में मेरे सारे ये रोल्स कट हो रहे हैं, साथ ही साथ जितना पीछे के रोल्स हैं वो ठंडे होते जा रहे हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत से हमारे रोल्स लग रहे हैं। तो अभी हम लोग करेंगे इसे फ्राई। तो ये मैंने कढ़ाई में इनको डाल दिया है और कढ़ाई में डालने के बाद में इसको हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा अगर हम लोग इसे फ्राई करेंगे तो ये खुलने लगेंगे, जैसे मेरे हल्के हल्के से खुलने की पोजिशन पर आ रहे हैं, तो मैंने पहले ही उसे ख़त्म किया। और बिल्कुल ट्राई ना करिएगा कि इसे धीरे धीरे आँच में फ्राई करें, जितना ज़्यादा हो सके आप इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा। जितनी ऊपर की लेयर क्रंची हो जाएगी उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ऊपर की लेयर क्रंची हो गई तो फिर प्रॉब्लम ये नहीं रहेगी कि आपकी जो पकौड़ियाँ हैं अगर आप उसे अपनी सब्ज़ी में डालोगे ना तो वो जल्दी खुलेंगी नहीं। तो स्लो फ्लेम पे करेंगी तो बहुत टाइट हो जाएंगी अंदर से भी, और वो हमें नहीं करना। इसकी थोड़ी सॉफ्टनेस हमें बरकरार रखनी है।
तो हम लोगों की ये जो पकौड़ियाँ हैं अरबी के पत्तों की पकौड़ियाँ, ये ऐसे भी खाई जाती हैं नाश्ते में, बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है, मगर हाँ आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो ये हमारी जितनी पकौड़ियाँ हैं ये हमारे हिसाब से फ्राई हो गई हैं, तो अभी हम लोग इसको निकाल के डाल देंगे दूसरी चीज़ में। तो अब हम लोग इसे सर्व करेंगे, और अगर आप चाहो तो चाय के साथ अभी भी इसे खा सकते हो, बट हम लोग आज कुछ और ही बना रहे हैं। तो सेम कढ़ाई को मैंने साफ़ करके इसमें डाला है ऑयल, और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम लोग डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरा फ्राई हो जाएगा। ज़ीरा फ्राई होने के बाद में हम लोग इसमें डालेंगे अपना पेस्ट जो हमने पहले ही रेडी करके रख लिया था, तो ये सारा हमने पेस्ट डाल दिया है। और अभी आप देखिएगा ये पेस्ट कितना अच्छे से ऑयल सेपरेट करेगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कभी इसी सब्ज़ी के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, कितनी भी आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो, अगर आप उस सब्ज़ी को इस तरह से बनाओगे, मतलब प्याज धनिया टमाटर जितनी भी चीज़ें आपको फ्राई करनी है वो एक साथ फ्राई कर लोगे ना, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा कुछ भी बनाने में। तो इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, धनिया, गरम मसाला या खटाई, आमचूर पाउडर, ये सब चीज़ें, जो भी मसाले आप डेली यूज़ करते हो, जो भी आपके पसंद के मसाले हैं वो सारे मसाले आप इसमें यूज़ करो और अच्छे से मिक्स करो। बस आपको पकाना अच्छे से आना चाहिए, ऑयल सेपरेट हो जाए, और अगर मसाला जलने लगे या तो आप उसमें पानी डाल दीजिए और या तो आप उसमें सॉल्ट डाल दीजिए। मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं, अगर आप सॉल्ट डाल देते हो तो जो आपकी सब्ज़ी है वो मॉइस्चर क्रिएट करने लगती है और वो जलता नहीं है। मैंने एक चम्मच दाल बचा ली थी क्योंकि मुझे ग्रेवी को गाढ़ा करना था, और इसी स्टेज पर जब आपका 70-80% कुक हो जाएगा आपका मसाला, उसी टाइम आपको ये दाल डालनी है ताकि मसाले के साथ साथ ये दाल भी अच्छे से फ्राई हो जाए, पक जाए, ताकि दाल का जो कच्चापन है वो इसमें ना रहे। तो जैसे ही आप इसमें दाल डालोगे ना, तो ये जैसे आरा रोट काम करता है ना एकदम ग्रेवी को थिक करने का, गाढ़ा करने का, वैसा ही ये दाल काम करेगी। तो इसको चलाते हुए पकाना है, लम्ब्स फ्री रखना है क्योंकि लम्ब्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो हाथ आपके चलते रहने चाहिए। और इस कंडीशन पे हमारी यहाँ पे ये जो दाल है वो अच्छे से पक चुकी है, तो अब कुछ नहीं करना, हमें इसमें बनानी है ग्रेवी। तो जितना ज़्यादा आप इसे पतला रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है। अभी चाहे आपको देखने में ये सब्ज़ी बहुत पतली लग रही हो, मगर ये टाइम के साथ साथ, जैसे मैंने अभी बना लिया तो मुझे आधे से एक घंटे बाद ही इसे खाना है, और तब तक ये ग्रेवी बहुत डार्क हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है क्योंकि कसूरी मेथी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हर चीज़ में डालती हूँ। अगर अवेलेबल हो और आपको इसका टेस्ट पसंद हो तो आप ज़रूर डालिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और ये ग्रेवी जो है ये हमारी रेडी बस लगभग लगभग होने वाली है। तो हमारी जो पकौड़ियाँ थी उसकी जितनी खुरचन थी वो सब मैंने इसमें डाल दिया ताकि ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाए और देखने में थोड़ी सी अच्छी लगने लगे। अब ये हमारी पका के हम लोग इसे अलग कर लेंगे क्योंकि हम लोगों को इसे पतला ही रखना है। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं किया है, बस जो पानी का कच्चापन है उसको दूर किया है ताकि हमारा पानी पक जाए और कच्चापन ना है, सारे मसाले साथ में मिक्स हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो जहाँ पे हमारा तेल ऊपर आपको समझ में आना लगा होगा, तो मैंने इसी स्टेज पर यहाँ पर अपनी पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं और हम लोग इसे चलाते हुए पकाएंगे। और आप यकीन मानो ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जिन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है ना, उन्हें भी ये चीज़ पसंद आएगी। स्पेशली मेरे हस्बैंड को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है, बट उन्हें भी ये बहुत पसंद आई और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा होता है। बस मैं आपको एक ही टिप दूँगी कि जब इस सब्ज़ी को बनाएं तो आप इसकी ग्रेवी को जितना ज़्यादा पतला हो सके उतना रखें, क्योंकि समय के साथ ये एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। तो आप लोगों को बस खाने से थोड़ी देर पहले ही आप लोग इसे बना के रखें ताकि पतला पतला गरम गरम आप इसे खा सको। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।